नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K12X 5G वर्सेस Samsung Galaxy M15 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K12X में 6.52 इंच जबकि M15 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि K12X से कम है। विड्थ की बात करें तो K12X में 2.99 इंच जबकि M15 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो K12X में 0.3 इंच जबकि M15 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि K12X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो K12X में 186 ग्राम जबकि M15 5G में 217 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि K12X से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो K12X में LCD जबकि M15 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो K12X में 20:9 जबकि M15 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K12X में 6.67 इंचेस जबकि M15 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K12X में 720x1604px HD+ और M15 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K12X में 85.29% जबकि M15 5G में 84.17% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K12X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M15 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K12X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M15 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K12X में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M15 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो K12X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M15 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K12X में MediaTek Dimensity 6300 और M15 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें RAM की तो K12X में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि M15 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो K12X में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M15 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी K12X में 5100mAh जबकि M15 5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
K12X में दो कलर्स जबकि M15 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K12X में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M15 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,682 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो K12X 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M15 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M15 5G आगे है, मेन कैमरा में M15 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में K12X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G0 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।